ਲੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੰਘ ਖੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਆ ਵੀ ਸਰਦਾਰ ਖੜਾ। इतना प्यार मिलने के बाद हमने सोचा है कि हमें जो है कम्युनिटी सीरीज लेकर के आते हैं। पहले हमने गुजरों पे वीडियो बनाई, अब हम बना रहे हैं सरदारों के ऊपर वीडियो। तो आज हम पूछते हैं दिल्ली वालों से कि उन्हें पाजी कैसे लगते हैं। और हाँ, सरदार दे आगे आगे जी लगाएं, सरदार जी। चलो सरदार और पंजाबी बीच की फर्क होता है? सरदार जी जो होते हैं वो पग वाले होते हैं, टर्बन लगाते हैं और एक टर्बन नहीं लगाते। बहुत फर्क होता है यार। जैसे पंजाबी पंजाबी होते हैं, सरदार अलग होते हैं। Whomsoever you'll find in Delhi who speak Punjabi is a Punjabi। पक्का दारू का, दारू बहुत पीते हैं यार। वो तो पंजाबी भी पीते हैं, सरदार ज्यादा पीते हैं। तो बिल्कुल आइडिया नहीं है इसके बारे में। और दाढ़ी का, जो पंजाब से पंजाब में रहे वो पंजाबी कहलाते हैं। That's a bit difficult question. How can I answer that? सरदार तो देख के पता लग जाता है यार। मेरे को नहीं पता, मैं तो बनिया हूँ। पंजाबी है ये बिगड़े हुए आवारा आशिक, घूमते रहेंगे ये इधर उधर। मैं पंजाबी है सरदार ने। फर्क हो गया, फर्क हो गया। सरदार जो है वो अपनी पगड़ी का वो रखते हैं मान। आपने पगड़ी क्यों नहीं डाली इस टाइम? फिर भाई ये इम्पोर्टेंट नहीं है, हम सरदार है ये इम्पोर्टेंट है, बाल रखे ये इम्पोर्टेंट है। कि जितने सरदार ऊपर हैं उतने पंजाबी ऊपर है नहीं। जट और जट्टा दे विच की फर्क होता है? जट और जट्टा जो जट कला होता है, जट बहुत सारे, जट्टा बहुत सारे होते हैं। ये सरदारों पे जोक बड़े बनते हैं ना, बनाओ बनाओ। मतलब ये होता है कि इस टाइप से जोक बना दिया तो सरदार होते हैं ऐसे या फिर जानबूझ के करता है माहौल बनता है? सुनो सुनो, देखो देखो, जोक बना के वो इतना खुश हो रहा है ना, खुश हो रहा है ना, हंस लो। आई थिंक वो होते ही ऐसे है, हर कोई नहीं कर सकता कि अपने ऊपर किसी को हंसा ले, तो ये टैलेंट है इनका। गलत तो बात है वैसे तो, नहीं इतना कर रहे जी, इसमें तो बदनामी तो सुधारों की है ना। कुछ तो होती है यार, कुछ जानबूझ के उसमें ओवरलोड यू नो दैट कर देते हैं। दैट कर देते हैं, कर देते हैं, खुश रहते हैं। किसी ने मजाक उड़ा लिया, भाई तू खुश है ना, तू मजाक उड़ा के मेरा खुश है, खुश रहा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई जोक बना के खुश हो सकता तो हंस ले ना, क्या फर्क पड़ रहा है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं ये पूछ रहा था कि वो ऐसे होते हैं या फिर जानबूझ के करते ताकि हंस सके लोग? नहीं यार, पागल तो नहीं होते, पार्ट ऑफ द। बड़े बहुत बुरा मान जाते हैं? नहीं बुरा नहीं मानते, पीट देते हैं, पीट देते हैं वो, फिर बुरा नहीं मानते, जानबूझ के, जानबूझ के करते। कई होते भी है, कई होते हैं, कई जानबूझ के भी करते हैं। पागल नहीं होते, देखो दिलेर होते हैं, डेयरिंग होते हैं, हंसी हसमुख होते हैं, पर क्या होता है किसी को तुम कैसे भी छेड़ सकते हो, छेड़ने की बातें होती हैं। अच्छी गाली बड़ी देते हैं, वो उनका प्यार जताने का वो है तरीका है, वो तो सभी देते हैं, प्यार है वो, प्यार है देते हैं। कहते हैं तेरी माँ दी मेरी माँ सब बराबर। ऐसा कैसा प्यार है, तोड़ी माँ दी तोड़ी बहन दी। जैसे कि कोई जिद कर रहा है भाई कि ये चाहिए ये चाहिए, चल तेरी माँ दी, चल ला दे ना दे नू, चल ऐसे। मतलब कि गाली भी तो मजाक में, बुरा नहीं लगता गाली वाली सुन के, उल्टा पलट में गाली गलौज चलती रहती है यार। गाली तो सभी देते हैं, फिर भी ना उनकी गाली में मिठास बड़ी है। मतलब आपको कोई दूसरा कोई गाली दे दे और आपको लगेगा कि क्यों गाली दे रहा है, लेकिन सब सरदार वाली लैंग्वेज में अगर गाली है तेरी माँ दी, उसमें लगता नहीं है, है ना? नहीं यार, तब भी लगता है, गाली तो सब को लगती है, चाहे कैसी भी हो, मीठी हो, कड़वी हो, गाली तो गाली है, लगती है। अच्छा, ये म्यूजिक बजते साथ ही एकदम ऐसे ऐसे होने लगता है, ऐसे होते हैं। ये क्या है ये? ये एक बीट होती है, बीट के साथ ऑटोमेटिक आप भी खड़े हो गए, आप भी लोग ऐसे ऐसे करके एक मन कर जाएगा, वो भी ऐसे ढोल होता है ना, ढोल वो जब बजता है एक बीट होती है, टिंगल लाक कलाक, उस पर फिर नाचना पड़ता है। मतलब कई जो होता है ना, कई लोग शर्मा जाते हैं कि मुझे डांस नहीं करना, ये नहीं करना, लेकिन सरदार कॉम में एकदम होता है कि जैसे ढोल बजाया कुछ हुआ, ढोल बजे मेरा फिर भी हम नाचते हैं ऐसे ऐसे। एक क्वेश्चन से मैंने बड़ा ऑफेंस देखा है सरदार जियो में, कि यूजुअली लोग बोलते थे 12 बज गए काइंड ऑफ, क्यों 12 बज गए? देयर इज सम रीजन बिहाइंड दैट। पहली बात तो ये सब बोलना ही नहीं चाहिए। एक्चुअली पता है किसी को मिथ, ये एक्चुअली किसी को पता नहीं है, ये एक मिथ बन गई है। स्कूल में चढ़ाते थे, अब तो नहीं चढ़ाते किसी को। और दूसरी बात कि मतलब 12 बज गए ऐसा मजाक उड़ाने ये बहुत गलत है भाई, 12 किस लिए बजे थे? तुम सबके लिए बजे थे। पहले क्या होता था, रात को 12 बजे से लेकर 12 बजे से सरदार का पहरा चलता था। उस समय जो मुगलों का राज था तब क्या कहते हैं, बहू बेटे को उठा लिया करते थे, तो रात को 12 बजे से ड्यूटी दिया करते थे, तो ब्रिटिश इस वजह से बड़े और मुगल बड़े ना इस वजह से तंग थे, तो उन्होंने फिर इस बात से जोक बना दिया कि इनको ऐसे करके बज जाएंगे, दबाव आ जाएंगे दबाव। एक नादिर शाह हुआ करता था, ईरान का शासक था, तो वो बड़ा कमीना टाइप का इंसान था, वो इंडिया है, इंडिया के उसने लगभग 2000 से ज्यादा लेडीज को अपने कब्जे में ले लिया। तो सिखों ने ये किया कि हम अपनी लेडीज को छुड़ाएंगे, प्लान किया कि रात को 12 बजे हम अटैक करेंगे नादिर शाह पे,
इसलिए लोग कहते हैं कि 12 बज गए सरदारों से पंगा नहीं लेना, राइट? गॉट इट? तुम्हें पता चल गया ना? हाँ, डेफिनेटली। अब बताओ सरदार जी के बारे में क्या सोचते हो?